नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की है जिसके अंतर्गत किस तरह से लोग काम कर पाएंगे, कैसे लोगों को जरूरी सुविधाओं की आपूर्ति होगी, किस तरह से सबके पास सामान मुहैया होगा, कौन लोग बाहर सड़कों पर जा पाएंगे, किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, इन सभी विषयों पर सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिस गाइडलाइन की एक सरल भाषा में मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि किन किन विषयों पर ध्यान रखना है, कहाँ कितनी सावधानी बरतनी है और साथ में किन किन वस्तुओं पर छूट रहेगी, कौन से वाहन जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, कहाँ काम होगा, कहाँ नहीं होगा। इस पर एक गाइडलाइन आई है जिसमें यह बताया गया है कि 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, जिसमें प्रमुख तौर पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर विशेष रोक लगाई गई है। इसमें अब हम आप सड़क पर बिना मुंह ढके कहीं भी नहीं जा सकेंगे। आपको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ में मास्क के साथ साथ अगर घरेलू कपड़े का बना हुआ मास्क हो वह भी लगा सकते हैं। अंगोछा है, गमछा या फिर चुनरी दुपट्टे से बना हुआ, इससे मुंह ढकना अनिवार्य होगा और किसी भी सार्वजनिक जगह पर थूकने पर जुर्माना होगा। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। इन सब पर गाइडलाइन आई है जिसमें खास तौर से कुछ चीजें बताई गई हैं कि कहां पर किन किन चीजों की सावधानी भी रखनी है। जिस तरह से ये पार्ट 2 लॉकडाउन आया है, इसमें 3 मई तक इस लॉकडाउन का पालन करना ही होगा और राजनीतिक और धार्मिक आयोजन पर विशेष तौर से रोक लगी है, इस पर रोक जारी रहेगी। मुंह ढकने की वाली बात मैंने आपको बताई है, साथ में मेट्रो सेवा, बस सेवा, रेल सेवा ये सभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। स्कूल कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। किसानों की फसल की कटाई के लिए कुछ छूट दी गई है, इसके अलावा थूकने पर विशेष जुर्माना भरना पड़ सकता है आपको। अब मैं विशेष तौर से बताऊंगा थोड़ा थोड़ा डिटेल में, जिसमें आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। 3 मई तक सभी प्रकार के एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रखे जाएंगे। इसका साफ स्पष्ट है कि जहां पर भी भीड़ वाले काम हैं, जहां स्टूडेंट इकट्ठे हो सकते हैं, जहां जिस प्रकार से कोचिंग है और आपके मॉल हैं, ये सब पूरी तरह से बंद रहेंगे। आप कोई भी संस्थान इन दिनों नहीं चला पाएंगे और इस तरह से पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इसके लिए अब आप ऑनलाइन सर्विस दे सकते हैं, कोचिंग के सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर सकते हैं। यह सब व्यवस्था ऑनलाइन तो की जा सकती है, लेकिन अब आप किसी भी स्थान पर एक जगह इकट्ठे होकर के पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। दूसरा ये कि पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना वसूला जाएगा 101%। यदि आपने यह गलती कर दी थूकने पर, भले ही आप किसी भी संक्रमण से ग्रसित हो या ना हो, लेकिन आप नहीं थूक सकते, थूकने पर जुर्माना है। और वैसे भी आपको इस बात की एहतियात रखनी है कि आप क्यों थूकेंगे, इससे कहीं कोई ना कोई प्रभावित होगा। सभी पर थूकने पर जुर्माना है, आप इस पर एहतियात रखें, कतई ना थूकें। दूसरी बात, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, धूम्रपान करने वाले, जो विशेष तौर से तंबाकू खाने वाले लोग जगह जगह थूकते हैं, इस पर विशेष ध्यान रखना है। आपको नहीं थूकना है, सार्वजनिक जगहों पर नहीं थूकना है और इससे परहेज करना है, वरना एक बड़े जुर्माने की राशि आपसे वसूली जाएगी। और अगर आप कैमरे की नजर में आ गए, कहीं पर भी जहां सीसीटीवी कैमरे लगे उनकी नजर में आ गए और ऐसा करते हुए आपको लगता है कि आपको किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद भी आप पर कार्रवाई बन सकती है, आप पर कार्रवाई हो सकती है, इस पर ध्यान रखें। दूसरा, सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, किसी भी धार्मिक जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। ये खास तौर से ध्यान रखिए कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम और आयोजन को पूरी तरह से बंद किया गया। कोई भी आप मंदिर में, कहीं पर भी आप कोई भी जागरण, किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम जहां भीड़ गैदरिंग इकट्ठी हो, उस पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसको विशेष ध्यान रखें और इस तरह का प्रयास भी ना करें, ना जाने का प्रयास करें और ना ही वहां पर लोगों को आवाहन करने का प्रयास करें। इस पर बिल्कुल एहतियात रखनी है और किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपके पास भीड़ इकट्ठी ना करे। अच्छा, मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ मास्क हर जगह उपलब्ध नहीं, तो अब आप घर में मास्क कपड़े का बना सकते हैं। आप मास्क जैसे शब्द को न समझ के एक तरह से ये समझे कि अपने रूमाल को बना करके उसमें कपड़े की एक डोरी लगा करके उसको ऐसे ढक सकते हैं, 2-3 लेयर का बना लें, या फिर चुनरी होती है चुनरी को, या अंगोछा होता है गमछा को, ऐसे करके लपेट के पूरा बंद कर सकते हैं। इन सब चीज बगैर मुंह ढके आप बाजार नहीं जाएंगे, इस पर ध्यान रखना है। और मुंह बिना ढके हुए आप निकलेंगे ही नहीं घर से, बहुत आवश्यक हो तभी आपको जाना है और आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा।
खास तौर से जहां पर हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जहां संक्रमण का ज्यादा खतरा है, उन जगहों पर जरूरी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी का और यह सब चीजें, इस पर थोड़ी छूट रहेगी और वहां लोगों को सामान को पहुंचाया जा रहा है, यह रहेगा। और सबसे विशेष बात यह है कि लॉकडाउन में काम करने वाले लोगों का बीमा होना है। हाँ, इसका क्या कर दिया गया है कि जो लॉकडाउन में काम कर रहे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी वाले, आपके दूसरे, आपके स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, ये सभी लोगों पर एक मेडिकल बीमा अनिवार्य कर दिया गया है। इन सबका बीमा होना अनिवार्य है, जिससे कि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जाए और यह अपने आप को सुरक्षित रहे। अच्छा, दूसरा, अगर किसी प्रकार का एक और गाइडलाइन है कि कोई भी शख्स क्वारंटीन किया गया है, अगर उसको मेडिकल डिपार्टमेंट ने या सुरक्षित किसी प्रकार से, क्वारंटीन का मतलब है कि उनके ऊपर यह प्रावधान किया गया है कि आप ना कहीं जाएंगे ना घूमेंगे, और उनके घर के बाहर अगर पोस्टर लगाया गया है क्वारंटीन का, तो वह नियमों का उल्लंघन करता है। अगर बाहर जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, और आईपीसी धारा 188 के तहत क्वारंटीन किया गया युवक अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 188 के तहत कार्रवाई बनती है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी और आने वाले भविष्य में उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए बताए गए नियमों का पालन करें, कतई घर से ना निकले, और क्वारंटीन अगर किए गए हैं तो और भी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि यह देश आपके लिए लड़ रहा है, यह देश आपके लिए कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, इस पर हम लोगों को सहयोग करना अनिवार्य है। दूसरा, इमरजेंसी पर ही सड़क पर निकले। इमरजेंसी मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, आपको लगता है कि नहीं बिना इसके काम नहीं चलेगा, तभी आप घर के बाहर आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे, उसके लिए इसका विशेष एहतियात रखना है। अगर आपको 3 मई तक लॉकडाउन में निकलना ही पड़ रहा है तो विशेष ध्यान रखें कि 4 व्हीलर से जब आप जाएंगे तो एक ड्राइवर होगा और एक ही पैसेंजर होगा उसमें। 4 पहिए वाहन में केवल एक ड्राइवर और एक सवारी, केवल 2 ही लोग जा सकेंगे। और मोटरसाइकिल, स्कूटी, 2 व्हीलर किसी प्रकार के वाहन पर बहुत इमरजेंसी में केवल एक युवक ही जाएगा। ये नहीं कि कार में 4 आदमी बैठे और चल दिए, गलत, इसका तो विशेष ध्यान रखना है। कार में नहीं जा सकते, केवल एक ड्राइवर, एक चालक और एक साथ में कोई हो सकता है, एक वो भी पीछे बैठेगा। दूसरा, मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटी, 2 व्हीलर जैसे किसी भी वाहन पर एक ही युवक अपना जाएगा इमरजेंसी में। ये नहीं है कि आप 2 आदमी पीछे बैठ के चल रहे हैं, 3 आदमी बैठ के चल रहे हैं, ये बिल्कुल खतरनाक हो सकता है आपके लिए और इस पर आप पर जुर्माना भी हो सकता है, इसलिए इसका पालन करेंगे, सख्ती से पालन करेंगे। दूसरी बात, सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई है, जैसे कि आपकी हवाई जहाज की यात्रा, बस की यात्रा, मेट्रो की यात्रा, रेल की यात्रा, सब बंद है 3 मई तक। आप किसी भी बहकावे में ना आए, किसी भी अफवाह में ना आए कि यह कोई भी ट्रांसपोर्ट चलेगा, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इसलिए विशेष एहतियात आप लोग रखेंगे। साथ में बहुत टैक्सी सर्विस पूरी तरह से बंद है, और एक जिले से दूसरे राज्य में, दूसरे जिले में भी जाने पर पूरी तरह से रोक है, और बहुत ही कोई आवश्यक होगा तो मेडिकल सर्विसेज की वजह से कोई जा सकता है, उसके लिए आप अपने स्थानीय निकटतम कंट्रोल रूम को सूचना देंगे, वह आपको अगर उचित लगेगा तो ही आपको मेडिकल सर्विस मुहैया कराएंगे, तभी वो आपको भेज सकते हैं। दूसरा, किसान पर कुछ छूट दी गई है, किसानों पर, वो किस प्रकार की है ये जान लीजिए। खेती से जुड़ी हुई गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों को, कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े कामों की छूट रहेगी। जैसे खेत है आपका और आपकी फसल खड़ी हुई है, आप फसल की कटाई करा रहे हैं, आप अनाज की कटाई करा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर खेती से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी रियायत रहेगी, लेकिन ध्यान रखें उस पर भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको पालन करना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, आप जगह जगह थूकेंगे नहीं, उसमें भी आपको नियमों का पालन करते रहना है, तभी आप अपने खेती से जुड़े हुए काम को कर पाएंगे। साथ में जो कृषि के उपकरण है उनकी दुकानें खुली रहेंगी, जैसे कि आपका ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर आपका खेती के सामानों को लाता ले जाता है, आपकी उन सभी वस्तुओं को लाता ले जाता है जो आप अनाजों को जो आप ट्रैक्टर से ही ढो सकते हैं, तो उसमें ट्रैक्टर्स के पार्ट्स के सामान की दुकानें खुली रह सकती हैं, वो भी बहुत ही सीमित अवधि के लिए, ये नहीं कि आपके लिए 24 घंटे खुली हैं, तो इसका ध्यान रखना है। और इसमें कटाई से जुड़ी हुई मशीनें हैं, कंबाइन मशीनें हैं, एक दूसरे राज्य में मूवमेंट पर जा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही सावधानी पूर्वक, ये नहीं है कि आप इसके बहाने से भी आप घूम रहे हैं, ये भी संभव नहीं हो पाएगा। और दिहाड़ी मजदूरी जारी रहेगी, जैसे गांव में कुछ इलाकों में छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं, उनके तहत मजदूर मनरेगा के तहत
मजदूर काम कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं पर भी अगर गांव में काम चल रहा है तो उस पर ही शुरू हो गए, और लेकिन उसमें भी आपको मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी आपकी, साथ में उसमें आपको वहां परहेज करना होगा, एक दूसरे को टच नहीं करना होगा, दूरी बना के रखनी होगी। इसके अलावा कुछ चीजें और भी चालू की गई हैं जिसमें तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ी हुई ट्रांसपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज, रिटेल जैसी गतिविधियां चलेंगी। हेल्थ बैंकिंग सर्विस चालू रहेगी, वो किस प्रकार रहेगी इसको समझ लीजिए कि हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, केमिस्ट की शॉप है, मेडिकल स्टोर है, मेडिकल लैब है, ये सेंटर खुले रहेंगे। पैथोलॉजी लैब है, दवाई से जुड़ी हुई कंपनियां खुली रहेंगी, बैंक एटीएम भी खुले रहेंगे, पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल की सप्लाई चालू रहेगी। इस पर सरकार ने छूट दी है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, इसलिए इस पर ध्यान रखना है, और आपको भी इन पर आवश्यक चीजों पर ही आपको बाहर निकलना है। इसमें और भी जरूरी सामान जैसे कुछ छूट दी गई है, जैसे पेट्रोलियम एलपीजी के जो प्रोडक्ट हैं, दवाई हैं, उनको भी इधर उधर ले जाने के लिए छूट रह सकती है, और जो भी व्हीकल्स हैं, बड़े वाहन हैं, एक ट्रक में दो ड्राइवर और एक हेल्पर की इजाजत है, ट्रकों की मरम्मत की भी छूट दी गई है, और हाईवे पर ढाबे खुले रहेंगे ताकि ट्रक वालों को खाने पीने की दिक्कत बिल्कुल ना हो। लेकिन ध्यान रखिए, यह केवल विशेष परिस्थितियों में ही छूट दी गई है, इस पर हर कोई व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर पाएगा, और वह केवल ट्रक वालों के लिए, क्योंकि वह जरूरी सामान को इधर से उधर ले जा रहे हैं, इसलिए यह छूट दी जा रही है। इसके अलावा जो आपकी किराने की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, फल सब्जी की दुकानें हैं, पोल्ट्री खाद्यान्न, डेयरी, दूध और मवेशियों के चारे की दुकानें वैसी ही खुलेंगी जैसे अभी नियमों के अंतर्गत खुल रही हैं, जिस प्रकार से 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए जो भी खुली जा रही है उसी प्रकार खुलेंगी। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें भी आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग बराबर प्रयोग करना है। इसके अलावा सरकारी संस्थान सभी बंद रहेंगे, लेकिन कुछ संस्थानों को छूट दी गई है, जैसे कि पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज, जेल, बिजली, पानी सप्लाई से जुड़े हुए विभागों को छूट दी गई है, जिससे कि आपके नियमित चीजों पर आप इन सब सप्लाई हो सके, आपको इनकी आपूर्ति मिल सके। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें भी आपको नियमों का पालन करना होगा, साथ में यह भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार आप अपने आप को सुरक्षित रखें, आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। मैंने आपको गाइडलाइन के सारी चीजों को बड़े ही सरलतम तरीके से समझाया है, इसको ध्यान में रखते हुए आप इसका पालन करेंगे, घर से बिल्कुल नहीं निकलेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे और विशेष सावधानी रखेंगे, हाथ को सैनिटाइज करेंगे, बार बार हाथों को धुलेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रखें, साथ में आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें।